नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिंह का और मैं पिछले लगभग 17-18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजी की आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर मिल रहा है उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया आज मैं आपके लिए एक ऐसा रत्न लेकर आया हूं जो बहुत सस्ता है लेकिन सस्ते का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर पावर नहीं है अगर आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई तनाव चल रहा है पति पत्नी की अनबन है प्रेमी प्रेमिका की अनबन है एक दूसरे से लड़ते रहते हैं प्यार कम लड़ाई ज्यादा करते हैं फाइटिंग होती रहती है गुस्सा आता है क्या क्या चल रहा है जीवन में समझ नहीं आ रहा सब कुछ ऐसा लग रहा है जिससे रुक गया है जिसको चाहते हैं उसके साथ भी नहीं रह पा रहे क्योंकि लड़ाई होती है और उससे दूर भी नहीं रह पा रहे क्योंकि मोहब्बत करते हैं तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी जिंदगी को बहुत पीछे लेकर जा रही है टेंशन दे रही है इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक रत्न लेकर आया हूँ इस रत्न का नाम है रोज क्वार्स रोज रोज यानी कि गुलाब जब इस रत्न की अंगूठी या लॉकेट आप खुद पहनेंगे और अपनी पत्नी को पहनाएंगे या अपनी प्रेमिका को पहनाएंगे या प्रेमी को पहनाएंगे तो इससे आपके रिश्तों में जो कड़वाहट है वो दूर होगी और जैसे गुलाब महकता है जैसे भी किसी को खुश करने के लिए हर व्यक्ति लाल रंग का गुलाब देता है वैसे ये गुलाबी रंग का पत्थर आपके जीवन में जो कालापन आ गया है जो बिल्कुल कहते हैं ना स्थिति बिगड़ गई है उसमें गुलाब की खुशबू को भर देगा इसका गुलाबीपन आपके दिल में मोहब्बत के गुलाब को देगा खिला देगा तो आप में से जो भी लोग इन समस्याओं से परेशान हैं वो लोग इस रत्न को ऑर्डर करें और ये रत्न बहुत महंगा नहीं है आप के लिए और आपके साथी के लिए दोनों के लिए अंगूठी या लॉकेट के रूप में इसका जो जोड़ा है, मात्र दो हजार पांच सौ रुपए में ये चांदी में बढ़ा होगा और इसका जो वजन होगा पत्थर का वो होगा लगभग लगभग पांच से छह कैरेट के बीच में और इसका जो स्पीड पोस्ट होगा पोस्टल चार्जेस आपको अलग से देने होंगे और इसके साथ में इसकी जो सर्टिफिकेशन होगी वो भी आपको अलग से देने होंगे तो कुल मिलाकर इस पत्थर की जो कीमत हो जाएगी वो तो लगभग लगभग सारी चीजों को मिलाकर दो हजार आठ सौ इसका कोड है एस एच वन आप लिखकर भेज सकते हैं और इसे मंगवा सकते हैं वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो सोलह और सत्रह तारीख को समय कष्टप्रद रहेगा प्रेम में धोखा खा सकते हैं किसी रिश्तेदार या घरिष्ठ मित्र से आपकी लड़ाई हो सकती है उसी किसी बात से आप बुरा मान सकते हैं चुप सकती है बात दिल में किसी की कोई बात आप दिल से लगा सकते हैं तो चुपचाप रहे धैर्य से काम लें समय थोड़ा सा आपको अस्त व्यस्त रखेगा पैसों का अपव्यय होगा बर्बादी होगी 18 उन्नीस तारीख को समय बेहतरीन होगा आप कोई नया निवेश कर सकते हैं आप पूरे जोश और खरोश के साथ अपने कामों को निपटाएंगे नौकरी में थोड़ी तरक्की के संकेत दिख रहे हैं आर्थिक मामलों पर गंभीरता से विचार करें पति पत्नी के बीच में अच्छी समझ रहेगी हर विषय पर पति पत्नी एक साथ होंगे दैनिक कार्य सरलता से पूरे होंगे आप अपने कामों को अच्छी तरीके से संपन्न कर पाएंगे पारिवारिक कार्य जैसे यह समय आपको चमत्कारिक लाभ भी दे सकता है बीस इक्कीस तारीख को समय मध्यम फलकारी रहेगा आप समझ पाएंगे कि कैसे परिस्थितियों को हैंडल करना है बाईस तेईस तारीख को समय शानदार है जीवन में कोई भी कदम उठाना बहुत जरूरी है तो बहुत सावधानी से कदम उठाइए जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाइए आपके सोचे हुए काम इस सप्ताह में लगभग पूरे हो रहे हैं लेकिन कुछ कामों में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो काम आप दिमाग से नहीं दिल से करेंगे जो काम आप दिल से करेंगे उसमें आपको समस्याएं आ सकती हैं कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक होगा जिसको पूरा करने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है इस दौरान ऑफिस में आपको को कोई दिक्कत आ सकती है बड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है नकारात्मक असर भी आपके ऊपर पड़ सकता है आपकी वाणी में कटुता आ सकती है तमाम कोशिशों के बावजूद बावजूद आपका व्यवहारिक रूप से आप खुद को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे आप वाद विवाद में ज़्यादा उलझ जाएंगे इस दौरान किसी भी हालात से निपटने के लिए आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा परिवार या दोस्त यार आपके नाराज हो सकते हैं क्योंकि यही लोग आपकी असली ताकत है परिवार आपकी ताकत है दोस्त यार अच्छी ताकत ताकत है और इन्हीं को आप अपनी वाणी से नाराज कर बैठेंगे या कुछ गलत फहमी हो जाएगी रिश्तों में जो भी लोग व्यवसायी हैं उनको बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत कर, कर और प्रयास करने होंगे प्रेम संबंध में किसी की बातों पर जल्दी यकीन मत करिएगा कुछ लोग आपको ठग भी सकते हैं प्रेम का लड्डू खिलाकर प्रेम संबंध को गहरा करने के लिए अपने लव पार्टनर की मजबूरियों को मत देखें उसकी कमियों को मत दिखाएं बल्कि उनकी खूबियों को देखें और उसको समझने की कोशिश करें प्रेम संबंध को गहरा बनाने के लिए आप किसी को नीचा न दिखाएं किसी की कमियां दिखाकर उसको अपना गुलाम न बनाएं इस सप्ताह व्यवहारिक जो जवाबदेही आपको सही तरीके से निभानी है लोगों से सही तरीके से मिलना है बात करनी है नई योजना पर कोई चर्चा करनी है तो सोच समझ कर संयम से प्लानिंग बनाकर बात करिएगा हवा में बात मत करिएगा फिजूल खर्ची से दूर रहिएगा और संभव हो तो कोई भी प्रॉपर्टी या वाहन इत्यादि ले रहे हैं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच विचार अवश्य करें एक चीज जरूर अच्छी होगी अगर आप कोई टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं लंबे समय से कोई परीक्षा टल रही थी और अब आ रही है वो परीक्षा तो उसमें नतीजे आपके अच्छे आ सकते हैं शुभ होगा आपका परीक्षा कंपटीशन खेल कूद में सफलता पाना वाणी पर संयम रखे वरना झगड़े बढ़ सकते हैं कोई अगर बात आपको किसी की अच्छी नहीं लगती है तो चुप रहें कुतर्क ना करें उल्टी सीधी हरकतें ना करें लाल रंग अच्छा है दस और चौदह नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा यानी एक नंबर और पांच नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा हनुमान जी की उपासना शिव जी की उपासना करें माँ सरस्वती की उपासना करें योग मेडिटेशन, मेडिटेशन करें अच्छा सात्विक भोजन खाएं वक्त पर सोएं ताकि दिमाग में टेंशन ना रहे कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो दिमाग को गर्मी दे कोई भी ऐसे मसालेदार भोजन ना खाएं जो दिमाग को टेंशन दे ज़ुबान को मीठा रखिए अच्छी पिक्चर देखिए अच्छा साहित्य पढ़िए अच्छे लोगों के साथ घूमिए फिरी बुरी आदतों को छोड़िए मांसाहार खाना बुद्धि को भ्रष्ट करेगा शराब पीना जुआ खेलना ये आपको बर्बाद करेगा समय थोड़ा संभल कर बिताने का है अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो कई बार रिश्ते में कोई आदमी प्यार प्यार में किसी की कोई टांग खींचता है ऐसे मजाक मजाक में तो मजाक में कई कई कई, कई बातें भी कई बार आपको बुरी लग जाएंगी क्योंकि इस पूरे सप्ताह में आप दिमाग को जेब में रखेंगे और दिल से ज़्यादा काम लेंगे और दिल तो पागल है अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं तो फिर परिणाम अच्छे मिल सकते हैं और कई बार हमें खुद की भी समझदारी दिखानी होती है तो इस सप्ताह में आपको सितारों को तो अच्छा कर रखना ही रखना है और एक समझदार इंसान भी बनना होगा अगर आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराना चाहते हैं हमसे मिलना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और थोड़ा सा संभल कर इस सप्ताह को बिताएं तो बहुत कुछ बेहतर भी हो सकता है नमस्कार